ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे अर्जुन, सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इस आदि श्लोक में साधक को आवश्यकता है एकांत में बैठ करके अपना निरीक्षण करना, मनन और चिंतन करना। इसमें भगवान हमें यह ज्ञान दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, हमारा स्वभाव बन जावे, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए नैसर्गिक सिद्धांत है, मानव देह में रहते हुए सुख का आना और सुख का चले जाना और सुख के जाने के पश्चात दुख का आना, दुख चला जावेगा फिर सुख आ जावेगा, ये उतार चढ़ाव जीवन का अंग बना रहेगा। कभी हानि हो जावेगी, कभी लाभ हो जावेगा, कभी नुकसान होगा, कभी विजय होगी, जीत हार, हानि लाभ, सुख दुख, इसको अनिवार्य नियम जान करके, क्योंकि यह जीवन में अवश्य आवेंगे, इसको बराबर समझ लेना। अब यहां पर कठिनाई आरंभ हो जाएगी साधक की। इनको बराबर ना समझना ही दुखों का कारण बनेगा। यहां भगवान ने जिन शब्दों का चयन किया है फिर तू युद्ध के लिए लड़, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति हानि में लाभ में इससे तेरी लड़ाई होगी, इस पर तेरी विजय होनी अनिवार्य है। अन्यथा अगर इस सुख दुख में तू बह गया तो कोई ठौर ठिकाना ना रहेगा। या जीवन में तेरे आएंगे अपने व्यवहार में प्राणी आ जावे, परिवार के किसी सदस्य के साथ सुख दुख रोग अथवा स्वस्थ यह साथ में रहेगा, इसमें विचलित नहीं हो जाना,
उस परमेश्वर को दोष नहीं दे देना। जब सुख होवे केवल दुख अभाव में प्रार्थना का भाव ना रहे। अधिकतर होता क्या है, जब कोई बाधा आ जाती है, विघ्न आ जाता है, रोग हो जाता है, कोई हानि हो जाती है, तब तो भगवान की शरण में बैठ करके बड़े दत्त चित होकर प्रार्थना करने लगते हैं कि इस विपदा से मेरा छुटकारा हो जावे। परंतु भगवान कह रहे हैं सम रहना। जब ते तू सुखों में होवे, सब कुछ अनुकूलता होवे, तब तू विशेष रूप से प्रार्थना कर, हे प्रभु इस शरीर को आप इतना सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि यह भाव केवल शरीर से संबंधित है, आत्मा इनसे निर्लेप है, आत्मा को कोई इनसे किसी प्रकार का तात्पर्य नहीं रहता। हे भगवान, यह सुख, यह जो सब कुछ मुझे मन के अनुकूल प्राप्त हो रहा है, मैं तेरा लाख लाख बार धन्यवाद करता हूं, तू मेरे इस शरीर को इतना सम्मान दे रहा है। अगर विपरीत अवस्था आ जावे तो भी भगवान आगे प्रार्थना, हे भगवान मैं इतना समर्थवान नहीं हूं कि इस ताप को, इस कष्ट को इतनी सहजता से सहन कर पाऊं, कृपा करो। अनुकूलता के समय अभिमान नहीं कि यह मेरी मेहनत है, प्रतिकूलता में किसी दूसरे सदस्य का दोष नहीं कि उसकी वजह से यह हुआ है। दोनों परिस्थिति में यह मेरे साथ हो रहा है, सुख अथवा विपरीतता, तो यह मेरे शीश पर प्रभु का हाथ है, तभी यह सुख प्राप्त हो रहे हैं। अगर विपरीतता आ गई, हानि हो गई, कष्ट हो गया, रोग हो गया, तो प्रार्थना कि यह मेरा कोई प्रारब्ध कर्म सम्मुख आ गया है, किसी और सदस्य के कारण भी अगर कोई हानि ऐसा जांच पड़े तो भी उस दुख को तो मैं सहन कर रहा हूं, कारण मेरा कोई प्रारब्ध सम्मुख आ गया है। हे प्रभु मैं इतना समर्थवान नहीं हूं कि अपने इस कर्म को मैं सहन कर पाऊं, आप कृपा करें, आप दया करें, मैं आपके परम पावन पवित्र नाम जो कष्टों को, तकलीफों को, दुखों को हरण करने वाला है, पूर्ण समर्पण मैं इसका जाप करता हूं, मैं आपका ध्यान करता हूं। दोनों अवस्थाओं में, अनुकूलता में अभिमान नहीं, प्रतिकूलता में अपने आप को इस प्रकार अधीर नहीं कर लेना कि मन की समता भंग हो जावे, यह भी ज्ञान ना रहे इस समय क्या उचित क्या अनुचित है। इस श्लोक को प्रत्येक साधक कंठ कर लेवे, अनुकूलता और प्रतिकूलता
ये जीवन के अंग हैं। अनुकूल में अभिमान नहीं, भगवान से प्रार्थना, आप इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें। प्रतिकूलता में अधीर नहीं हो जाना, डावाडोल नहीं हो जाना, स्थिरता एक सम बनाए रखे। जिस प्रकार नदी जब इसका भाव होता है, पानी कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी अधिक कभी कम, नदी एक समान बहती रहती है। इसी प्रकार जीवन में ये उतार और चढ़ाव नियम के अंतर्गत अवश्य होंगे। अगर सुख के समय अभिमानित हो गए, अभिमान आने लगा, कौन मेरे जैसा है, मैं सुखी हूं, मैं कुलीन हूं, मैं समर्थवान हूं, इसका अभिमान ये बंधक बन जावेगा, क्योंकि शरीर की प्राप्ति एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इन भावों के कारण होगा। अच्छा अथवा बुरा, राग में अथवा द्वेष में, यह शरीर की प्राप्ति केवल बंदरों के कारण होगी। जब संवृत्ति हो जावेगा, तब एक रस